इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एम्पलीफायरों के बारे में बात करेंगे जिसका मॉडल आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और शायद ही स्ट्रेंजर कंपनी ने भी ऐसे मॉडल कभी देखे होंगे। बात करेंगे स्ट्रेंजर के वैसे ही कुछ डुप्लीकेट एम्पलीफायरों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें किस तरह का एम्पलीफायर देखने को मिलता है। बॉक्स हमने खोल लिया है, चलिए एम्पलीफायर को निकाल लेते हैं। पहले एम्पलीफायर हमने निकाल लिया है, ये रहा पन्नी। एम्पलीफायर का मॉडल है XP1500। सबसे पहले बता दें कि यह एम्पलीफायर एक डुप्लीकेट एम्पलीफायर है, ऐसा है मॉडल स्ट्रेंजर ने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इसके साउंड टेस्टिंग और इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। एम्पलीफायर का पीछे का लुक कुछ इस प्रकार से है। पीछे के साइड हमको देखने को मिलता है पावर केबल। इसका पावर केबल में बोर्ड में कनेक्टर करने के लिए प्लग नहीं दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और देखने को मिलता है एक फैन, फ्यूज और इनपुट और आउटपुट कनेक्शन। इसका ड्राइवर यूनिट चलाने के लिए भी इसमें कॉम 100 वोल्ट और 70 वोल्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये एम्पलीफायर रेकमेंड करता है 1 ओम और 2 ओम पे ही। कॉम 1 ओम और 2 ओम के लिए इसमें कनेक्शन करने के लिए दिया गया है प्लस और माइनस का। और पीछे के साइड हमको देखने को मिलता है आउजा के जैसे एक स्विच, 200 MV प्लस 1 वोल्ट का स्विच एक देखने को मिलता है। तो चलिए इसका साउंड टेस्टिंग देख लेते हैं एक बार। एम्पलीफायर और बॉक्स का कनेक्शन हमने कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका साउंड एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी ठीक ठाक हमको मिल जाता है, पर उसका परफॉर्मेंस कितना दिन तक जाएगा हमको पता नहीं। ये भी एक इसी तरह का एक डुप्लीकेट एम्पलीफायर है जिसका मॉडल नंबर है XP1600। ब्रांडिंग देख सकते हैं आप, प्रोफेशनल डीजे पावर एम्पलीफायर, लो मिड इसमें वॉल्यूम ऐसा कुछ दिया गया है। इसमें मार्केट में ऐसे बहुत सारे आपको डुप्लीकेट एम्पलीफायर मिल जाते हैं, पर वो सब आप परचेज में नहीं कीजिएगा क्योंकि वो सब बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पहले पहले आपको साउंड क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा दे देता है, उसके बाद एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, आप रिपेयर करा करा के थक जाएंगे। हमारे एक भाई ने ऐसा कुछ गलती किया है, पर आप ऐसा गलती कभी नहीं करिएगा। एम्पलीफायर हमेशा ओरिजिनल ही परचेज करिएगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सारे स्ट्रेंजर एम्पलीफायर का प्राइस के साथ एक वीडियो लाने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिए एक बार। और चलिए देख लेते हैं कि एम्पलीफायर के साथ अंदर में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलता है और किस क्वालिटी के देखने को मिलता है। एम्पलीफायर के अंदर हमको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसके कैपेसिटरों की बात करें तो इसमें केवल हमको दो ही कैपेसिटर देखने को मिलता है और ये 15,000 के वैल्यू का है। ट्रांजिस्टर इसमें कुछ जापान का यूज किया गया है जो कि हमको कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है, बाकी सामान ऐसा कुछ किया गया है वायरिंग के साथ इसका। और साथ में अंदर में हमको देखने को मिलता है दो ट्रांसफार्मर और बाकी ये सारे हीट सिंक के लिए लगाया गया है। और ये है इसका बॉडी अर्थिंग। अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सारे ठीक ठाक ही हैं, पर ये कितने दिनों तक चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और हमारे भाई को भी इस एम्पलीफायर के साथ कोई गारंटी नहीं मिला है कि कुछ ख़राब हो जाएगा तो उसको चेंज करा देगा या फिर रिपेयर कर देगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं दिया गया है इस एम्पलीफायर के साथ। इसी तरह मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट एम्पलीफायर देखने को मिल सकता है, पर आप हमेशा ओरिजिनल ही परचेज करिएगा। स्ट्रेंजर का ओरिजिनल की पहचान करने के लिए स्ट्रेंजर में आपको पीछे के साइड लोगो और उसका बारकोड देखने को मिल सकता है, पर इसी एम्पलीफायर में हमको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और स्ट्रेंजर के ओरिजिनलों की पहचान करने के लिए उसके हैंडल पे ऐसे का सिंबल दिया रहता है, उसको आप देख के ओरिजिनल होने की पहचान कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही डीजे से रिलेटेड नॉलेज वाले वीडियो लेके आते रहते हैं।